इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको इस तरीके से इशू आता है आपके रियलमी की स्मार्ट टीवी के अंदर, वहाँ पर आपको लिखा हुआ आता है नो सिग्नल, चेक द एक्सटर्नल इनपुट, सिलेक्ट अनदर इनपुट यूजिंग द इनपुट बटन। तो बेसिकली ये क्या प्रॉब्लम रहती है, देखिए जैसे कि हम HDMI या कुछ भी अपने इनपुट को यूज़ करते हैं और वो प्रॉपर तरीके से कनेक्ट नहीं रहता है, मान के चलिए कुछ भी यहाँ पर डिस्पैच या कुछ भी ऐसे इशू चल रहा है, तो उसकी वजह से यहाँ पर हमें ये नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो अब इसे हमें मेन मेन्यू में लाना है, तो क्या करना है देखिए, उस सिचुएशन में आप इस पर दबा दीजिए बस, ठीक है, तो ये आपके मेन मेन्यू में आ जाएगा। तो इतना सा ही बस ये प्रोसेस रहता है छोटा सा, और बाकी आप यहाँ पर आप देख सकते हैं ना AV चल रहा है, ना HDMI, कोई सभी यहाँ पर नहीं चल रहा है, जो चल रहे हैं वो यहाँ पर ही हैं एंटेनिया ATV, और यहाँ पर कनेक्ट करना पड़ेगा पहले तब चलेंगे, एंड्रॉयड होम TV तो है ही है, और ATV या केबल एंटीना वो सब मिल जाएंगे आपको, तो यहाँ पर यही दिखाएगा आपको फिर दोबारा से। तो ये प्रोसेस रहता है इसका सिंपल सा। अगर यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।